हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी एडवाइस में। फ्रेंड, मैं आज बताऊंगा आप लोगों को कैसे आप लोग बीज और खाद भंडार खोल सकते हैं। वो भी सरकार आप लोगों को लाइसेंस दे रही है और इसमें अच्छा खासा कमीनी है, तो उसी को मैं डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे करूंगा रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड, एक dbtagriculture.bihar.gov.in का वेबसाइट है, उस पर लॉग इन क्लिक करके ओपन कर लेना है और आ जाना है। ठीक है, आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एक मिलेगा अनुज्ञप्ति आवेदन और लाइसेंस, तो आपको इस पे नॉर्मली क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो गया फ्रेंड। यहाँ पे लिखा हुआ कृपया एक का चयन कर, देखिए फ्रेंड यहाँ पे है न्यू बीज अनुज्ञप्ति, बीज अनुज्ञप्ति नवीकरण, बीज अनुज्ञप्ति सुधार। अगर आपको नया बीज भंडार के लिए लाइसेंस लेना है तो आप फर्स्ट पे क्लिक कीजिएगा न्यू पे। अगर आपने पहले से लिया है उसको नवीकरण कराना है, मतलब रिन्यूअल कराना है, तो आप सेकेंड वाला पे चूज कर लीजिएगा। और कहीं अनुज्ञप्ति लिए उसमें कुछ सुधार करना है तो यहाँ पे क्लिक करके सुधार कर सकते हैं। तो हमको नया लेना है तो नया पे न्यू बीज अनुज्ञप्ति पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर मांगा था, आप यहाँ पे नॉर्मली आपको आधार नंबर अपना डाल देना है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे नेम एज आधार, आधार में जो नाम है उसको यहाँ पे टाइप कर देना है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। ऑथेंटिकेशन क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको मोबाइल जो है आधार में दिया गया उस पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करना होगा। तो चलिए मैं ओटीपी यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, ओटीपी मेरे मोबाइल में आ चुका है। ठीक है, अब इसको मैं वैलिडेट कर देता हूँ। देखिए वैलिडेट करते ही आपके सामने पूरा एक फॉर्म खुल के आ जाएगा, इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर न्यू सीड डीलर लाइसेंस, तो आप कैसे नए सीड का या फर्टिलाइजर का डीलर का लाइसेंस ले सकते हैं, उसका तो डिटेल। बहुत ही ईजी प्रोसेस है फ्रेंड, इतना ईजी प्रोसेस आपको कहीं भी नहीं मिल पाएगा, आप कैसे भी कर लीजिए, अब बहुत ही कम उसमें। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर चयन करना अनुगति के बाद आपको किस लेवल पर लेना, अगर स्टेट लेवल पर लेना चाहते हैं तो स्टेट लेवल पर ले सकते हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लेना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ले सकते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लेना चाहता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्व अनुज्ञप्ति का प्रकार का चयन करना है, तो यहाँ पे मैं चयन कर लेता हूँ। यहाँ पे सेल एंड गोडाउन दोनों करना है, आप सेल भी कीजिएगा और गोडाउन वगैरह यहाँ पर रखना है चाहते हैं तो भी रख सकते हैं, आप अपने रिटेलर वगैरह को दे सकते हैं। यहाँ हो गया, उसके बाद यहाँ पे डालना है आपको शॉप डिटेल डालना है, शॉप डिटेल में आपको खाता नंबर डालना है, खेसा नंबर डालना है शॉप का, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि स्वयं अपना जो जहाँ पे आपका शॉप है वो अपना जमीन है या किराए का, तो किराए का तो किराए का, स्वयं का होगा तो स्वयं, मेरा स्वयं का है तो मैं स्वयं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्रतिष्ठान का नाम डालना, जो आपका दुकान का नाम है या जिस जो भी जिस नाम से आप लाइसेंस लेना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे पता डाल देना होगा, यहाँ पर प्रतिष्ठान सेलेक्ट करना होगा, आपका जो डीलरशिप आप ले रहे हैं वो प्रोप्राइटरी है या पार्टनरशिप में है या लिमिटेड कंपनी है या करता है, इसमें कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरा है, मेरा पार्टनरशिप में, तो मैं पार्टनरशिप सेलेक्ट कर, आप लोगों का जो हो वो फ्रेंड सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे गोडाउन का भी डिटेल देना है फ्रेंड, जो गोडाउन लीजिएगा जिसमें आप माल ला कर रखिएगा, तो आप वही भी इसमें भी दे देना, आपको खाता खेस रहा वहीं, आपको स्वयं का स्वयं सेलेक्ट कर लीजिए, मेरा स्वयं सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर जिला का नाम सेलेक्ट करना है तो जिला बोला डाल दीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे व्यक्तिगत जानकारी देना है फ्रेंड, व्यक्तिगत जानकारी में आपको अपना नाम ऑलरेडी फिल हो चुका है, आप आवेदक का प्रकार देख रहे हैं वहीं, फिर यहाँ वहीं जाना है क्या प्रोप्राइटर में है या पार्टनरशिप में है या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव में है या मैनेजर है या इस चीज, तो हम पार्टनरशिप में तो पार्टनर पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आवेदक के गृह जिला का नाम सेलेक्ट करना है, तो अपना जिला का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, तो मेरा पूर्वी चंपारण है तो मैं पूर्वी चंपारण सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्रखंड का नाम सेलेक्ट करना होगा, तो अब जो आपका प्रखंड हो वो सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद यहाँ पे पूरा एड्रेस डाल देना है, आप आधार नंबर आपका जाएगा, यहाँ पे लिंक सेलेक्ट कर लेना है जो हो, यहाँ पे जाति सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे जीएसटी नंबर वगैरह डाल देना है फ्रेंड, क्यों आपको यहाँ पे मस्ट जीएसटी नंबर मस्ट है फ्रेंड, आपको चाहिए ही चाहिए जीएसटी लेना होगा, इससे पहले पैन कार्ड चाहिए, ये सब चीज़ें आप पहले ही रेडी कर लीजिएगा फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पे क्रॉप डिटेल्स, फसल का प्रकार आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है फ्रेंड, कौन कौन सा फसल है, क्या है सबको, पारी पारी से जिसका जिसका बीज आपको चाहिए उसका
आप सिलेक्ट कर लीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक गेहूँ सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे बीज विकसित प्रकार सेलेक्ट करना है, तो अधिसूचित बीज चाहिए कि अन्य बीज, स्वयं विकसित बीज, जो बीज चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिए फ्रेंड। यहाँ पे आप प्रभेद का प्रकार सेलेक्ट कर लीजिएगा, हाईब्रिड चाहिए कि इम्प्रूव चाहिए, क्या हाई जो चाहिए उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी प्रमाण संख्या बीज प्राप्ति का स्रोत वगैरह डाल देना फ्रेंड। यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं, ऐड न्यू पर क्लिक कीजिएगा तो दूसरा प्रूव आ जाएगा। देखिए फ्रेंड, मैंने ऐड न्यू पर क्लिक करा, दूसरा रो वहाँ पे देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पे ऐड हो गया। देखिए यहाँ पे दूसरा रो आ गया फ्रेंड, यहाँ पे दूसरा जो बीज हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भुगतान की विवरणी डालना है, जैसे भुगतान किस प्रकार से आप करना चाहते हैं। अगर ऑनलाइन करना चाहते ऑनलाइन सेलेक्ट कीजिएगा, चालान से करना चाहते हैं चालान से, जैसे मुझे ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेंगे। ऑनलाइन अभी सेलेक्ट नहीं हो रहा एक्चुअली फ्रेंड, तो चालान से ही करना होगा पेमेंट। पेमेंट करना है इसको, मात्र पेमेंट आपको 1000 रुपया करना है फ्रेंड लाइसेंस के लिए। अगर ऐसे अदर में आप लाइसेंस लेते हैं तो आपको बहुत हजारों में लाखों में आपको खर्च करना पड़ेगा, तो मात्र 1000 में आपको लाइसेंस मिल जाएगा फ्रेंड। बहुत अच्छी बात है सरकार तरफ से। देखिए यहाँ पे कुछ घोषणा शपथ पत्र है फ्रेंड, इस पॉइंट को आप लोग देख लीजिएगा। द लाइसेंस शैल बी डिस्प्लेड प्रोपेंटेड एंड कंटिन्यूअस प्लेस ए पार्ट ऑफ बिजनेस प्रोफेशन ओपन टू द पब्लिक, तो टिक कर देना है यस पर, सब पे आपको टिक कर देना होगा यस फ्रेंड। ऑर्डर लाइसेंस कंप्लीट प्रूफ जो पढ़ लीजिएगा आपने, जो जो आप डिटेल होगा आप लोग इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा फ्रेंड। ऐसे सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करना होगा फ्रेंड, तो इसमें देखिए क्या क्या अपलोड करना है। एक आवेदक का फोटो चाहिए, एक प्राधिकरण प्रमाण पत्र चाहिए वही चाहिए, मतलब आप ब्लॉक से बना लीजिएगा। एक पट्टे किराया अनुबंध या अपना जमीन हो स्टाम्प पेपर 1000 का अनिवार्य चाहिए फ्रेंड, बिहार सरकार का, इसको यहाँ पर अपलोड करना होगा। प्रभेद प्रमाणीकरण भी प्रोसेस यूनिट का प्रमाण पत्र, आधार बीज प्राप्ति का प्रमाण पत्र, एक यहाँ पे फसल का प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाना होगा फ्रेंड। यहाँ पर आरडी का प्रमाण पत्र, खाता वगैरह का लगाना होगा फ्रेंड। यहाँ पर चालान का यहाँ पर प्रतिलिपि 1000 का यहाँ पर देना होगा फ्रेंड। देने करने के बाद आपको यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा, आपको मोबाइल पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको डीलरशिप का लाइसेंस मिल जाएगा, उसके बाद आप काम कीजिए और यहाँ फ्रेंड लाखों में कमाइए, बहुत अच्छी कमी नहीं होगी फ्रेंड इसमें। तो ये था आज का वीडियो, वीडियो आप लोग कैसा लगा जरूर बताइएगा, और कोई भी दिक्कत हो प्रॉब्लम हो जो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। और मेरे वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो हमेशा लाते रहता हूँ। धन्यवाद।